नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों मैं धर्मिंदर शाह, LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर जरूर आता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेबल नंबर 853। दोस्तों 853 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान है। दोस्तों LIC की सबसे शॉर्ट टर्म प्लान इसको हम कह सकते हैं। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको दो तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं, या तो आप सारा अमाउंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसको कन्वर्ट करके आप लिमिटेड प्रीमियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं होता है तो आप 5 साल का टर्म लेकर आप सारा जो भी प्रीमियम बनता है उसको आप 5 साल में पे कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी दूंगा ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम फीचर पे आते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये प्योर सेविंग प्लान है और ये इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लेन देना नहीं है। दोस्तों इसमें टर्म आपको दिए जाएंगे 10 साल से लेकर 18 साल तक आप टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज एंट्री जो रखी गई है 90 डेज कम्प्लीटेड रखी गई है, और मैक्सिमम की बात करें तो सिंगल प्रीमियम के लिए 44 साल रखा गया है मैक्सिमम, और लिमिटेड प्रीमियम के लिए 60 साल, और ऑप्शंस 2 के लिए 65 साल। और मैं ज़्यादा मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपीज़ का है, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड जो है वो डिपेंड करता है कि कितना इनकम है। और सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें जो मेच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलने वाला है वो सम इंश्योर्ड प्लस रॉयल्टी एडिशन रहेगा। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो अंडर सिंगल प्रीमियम पेमेंट द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एन टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, यानी अपने पॉलिसी टर्म कोई भी टर्म सेलेक्ट करते हैं उसके अंतर्गत आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन की बात करें अंडर लिमिटेड प्रीमियम में आप 2 साल के बाद अपने पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। लोन की बात करें तो सिंगल प्रीमियम 3 मंथ के बाद आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, और वहीं बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो उसमें आप 2 साल के बाद लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। इनकम टैक्स की बात करें तो ATC के तहत आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। इसमें जो प्रपोजल फॉर्म यूज़ होगा वो 506, 507, 508। तो दोस्तों ये था इसके कुछ फीचर्स, और आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज होगा, मैंने शॉर्टकट में लिए हैं। मैं दोस्तों मेन पर्पस वीडियो का था कैलकुलेशंस में आपको एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जैसे सपोज करो मेरा एज 25 है, मैं प्लान लेना चाहता हूँ, टर्म लेता हूँ 16 साल का, और मैं लेता हूँ सिंगल प्रीमियम। ओके अब मैं लेता हूँ 1 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ कि इसमें क्या प्रीमियम बनता है। जैसे कि मैंने जो टर्म लिया है वो लिया है 16 साल, ठीक है, मेरा एज है 25। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो 49,852 रुपये का रहेगा, और दोस्तों इसमें टोटल जो रिटर्न मिलता है 1 लाख का सम इंश्योर्ड हमारा, और रॉयल्टी एडिशन जो रहेगा 11,000 रुपये का, यानी 1,11,000 रुपये का आपको एक अमाउंट दिया जा रहा है। दोस्तों करंट रेट ऑफ बोनस होता है, जो भी कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो करंट रेट ऑफ बोनस होता है, उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों अब लेते हैं इसको 5 लाख में कन्वर्ट करते हैं और टर्म देते हैं 1,800। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इसमें जो अगर हमारा 5 लाख का हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड है तो वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट हमें करना है वो 215,427 रुपया, और टोटल हमको रिटर्न मिलता है 575,000 रुपया, लगभग डबल से ज़्यादा। ये था हमारा सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, ऑप्शंस 1 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सेम प्लान है, टर्म मैं 16 कर देता हूँ इसको। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करने के बाद देखिए जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा 4,650 रुपये बनता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर बनता है 4,550 रुपया, यानी टोटल हमारा 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 274,211। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में आपको 5 साल ही प्रीमियम पे करना है, और 16 साल के बाद आपको इकट्ठा अमाउंट मिल जाएगा, वो मैं बताता हूँ आपको 572,500 रुपये का टोटल आपको रिटर्न मिलता है इस प्लान के अंदर, यानी 274,211 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। और दोस्तों सम इंश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपीज़ का है, रॉयल्टी एडिशन हमारा 72,500 रुपये का, यानी टोटल जो हमारा प्रीमियम पैड हुआ है 274, और हमें रिटर्न मिल रहा है 572। ये हमने टर्म सेलेक्ट किया था 5 लाख का। अब इसको मैं चेंज करता हूँ 10 लाख का करता हूँ। 10 लाख करने के मतलब मैं टर्म लेता हूँ 18 साल। 10 लाख का सम इंश्योर्ड में जो प्रीमियम बनता है वो बनता है साल का 99,272
और उसके बाद बनता है 97,138 रुपये। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में जो हमारा टोटल प्रीमियम पैड होता है वो 487,827 रुपये होता है, और टोटल हमें जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 11,85,000 रुपया। दोस्तों जो भी कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये LIC का करेंट रेट ऑफ बोनस है, उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस प्लान में आपको एक मेच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन देता है, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि 1,00,000 का सम अशोर्ड मैंने लिया इस प्लान के अंदर, ठीक है, टर्म लिया 1,800, ठीक है। अगर सपोज करो आपका कोई बच्चा है उसके लिए एजुकेशन के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो इसको आप एजुकेशन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन लिया, इसमें 10 साल डाल देता हूँ, ठीक है, और हमें जो ईयरली कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें जो हमारा प्रीमियम बनेगा ईयरली वो बनेगा 10,868 रुपया, उसके बाद बनेगा 10,634 रुपया, ठीक है। और इसमें दोस्तों हमारा टोटल जो प्रीमियम पैड होता है वो 53,404 रुपया होता है, यानी कि 5 साल ही हमें प्रीमियम पे करना है। और हमारे बेटे के एजुकेशन के लिए जो हमें मिलता है वो लगा लो आपका 18 साल से लेकर आपको देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी आपको कितने टाइम्स मिल रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी लगभग आपको 10 टाइम्स मिलेगा 15,190 रुपये, 15,190 रुपये। दोस्तों इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज करो आपको इकट्ठा पैसा नहीं लेना है, आपके किसी पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए, तो सपोज आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए तो हर एक साल उसको 15,189 रुपया मिल जाएगा उसके एजुकेशन के लिए। अब इसी को आप कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, आप 10 लाख का सम अशोर्ड सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैं 10 लाख का सम अशोर्ड करता हूँ, 10 लाख के सम अशोर्ड में देखिए वो 151,000, 152,000 रुपये के समथिंग अमाउंट हो जाता है। तो ये मैच्योरिटी सेटलमेंट का बेनिफिट्स होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा, और दोस्तों फिर भी किसी चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकूँ। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए करना क्या होगा, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहाँ पर प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों इसको शेयर न करना ना भूले। बाय बाय।